हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ऑल इन वन चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि टायर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 185/65R1588H, तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे 185 के आगे P लिखा हुआ होता है, LT लिखा हुआ होता है, या तो T लिखा हुआ होता है। तो P का मतलब क्या होता है? पैसेंजर टायर। LT है तो उसका मतलब होगा लाइट ट्रक के लिए, और अगर T है तो वो टेम्पररी, मतलब वो स्पेयर व्हील में होता है। तो यहाँ पे देखिए 185 है वो क्या है, 185 जो लिखा हुआ है 185 mm में है। तो ये कौन सा हिस्सा होगा कि जो रोड को टच करके जो हिस्सा चलता है ना टायर का, वो होता है 185। मतलब कि वो जो रोड को टच करेगा वो सरफेस 185 mm होगा। और ये यहाँ पे जो 65 लिखा है ना, ये 65 mm में नहीं होगा, वो क्या होगा, 185 का 65% में होगा। 185 का 65%, मतलब कि टायर का जो हिस्सा रोड को टच करके चलता है उसका 65%, मतलब कि ये हिस्सा 65% होगा। और वह बाद में है आर। आर का मतलब होता है रेडियल टायर। रेडियल टायर का मतलब क्या होता है कि इस टायर में स्टील बेल्ट का यूज किया गया होगा। उसके बाद है 88 और H। तो 88 का मतलब क्या होता है, ये 88 जो है ना वो लोड इंडेक्स के लिए होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लोड इंडेक्स में कैसे होता है। यहाँ पे हमारे पास है 88। तो 88 में क्या होगा ये देखिए, ये देखिए कि इंडेक्स है, ये लोड इंडेक्स के लिए है। ये देखिए हमारा जो टायर है उसमें 88 है। तो यहाँ पे 88 कहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये रहा 88, मतलब कि 560। मतलब कि ये जो टायर है 88 जो लिखा है उसका मतलब है कि ये टायर 560 यानी कि 560 kg तक का वेट झेल सकता है। उसके बाद है एच लिखा हुआ है। तो एच का मतलब क्या होता है, ये स्पीड के लिए होता है। जो एच लिखा है ना वो स्पीड के लिए होता है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए हमें एच दिया गया है, एच ये रहा। तो एच में क्या था, वहाँ पे 210 लिखा था, मतलब जो 210 लिखा था वो उसका स्पीड है 210। ये देखिए 210 जो एच लिखा है ना यहाँ पे 210, मतलब कि ये टायर उतनी मैक्सिमम स्पीड तक चलेगा, उससे ज़्यादा अगर चलेगा तो डेंजरस हो सकता है। चलिए उसके बाद लिखा है देखते ट्यूबलेस और रेडियल। रेडियल का मतलब तो पता है हमने अभी कहा कि उसमें स्टील बेल्ट का यूज़ होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, अभी हमने मैंने बताया ना। ये देखिए ये लिखा है मैक्सिमम लोड, हमने अभी देखा था ना कि 88 जो लिखा है वो लोड के लिए होता है। यहाँ पे लिखिए देखिए 560 kg लिखा है, और उसके बाद लिखा है 1235 LBS। LBS का मतलब क्या होता है, पाउंड, मतलब कि 1 kg इक्वल टू 2.205 पाउंड होता है, मतलब कि 560 kg के हिसाब से 1235 पाउंड होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है 300 kPa। तो उसका मतलब क्या होता है, किलो पास्कल। लेकिन हम जो यह प्रेशर हवा भरते हैं ना तो उसमें 44 PSI का प्रेशर में ही देखते हैं, मतलब कि 44 तक सही रहेगा। अगर उससे ज़्यादा अगर आपने टायर में हवा भरी तो झटके ज़्यादा आएंगे। चलो उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अभी हमने बात किया ना स्टील बेल्ट, इसमें क्या है, पॉलिस्टर प्लस स्टील बेल्ट प्लस नाइलॉन। तो इन चीज़ों का इस टायर में यूज़ किया गया है, ये जो चीज़ें हैं ना वो इसका इस टायर में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आता है यहाँ पे, ये देखिए
यार रेड मार्क, इस रेड मार्क का मतलब क्या होता है? रेड मार्क का मतलब क्या होगा कि जब कंपनी कोई भी टायर बनाती है ना, तो राउंड शेप में तो होता है लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा होता, मतलब कि टायर के कहीं ना कहीं हिस्से पे हेवी पॉइंट रहता है या तो लो पॉइंट। तो क्या होता है, कंपनी उसको चेक करती है, चेक करने के बाद अगर किसी भी जगह हेवी पॉइंट होगा ना, तो वहाँ पे रेड मार्क होगा, और अगर वहाँ कोई लाइट हिस्सा होगा ना, मतलब कि वहाँ पे थोड़ा वेट कम होगा, तो वहाँ पे येलो मार्क हो। देखिए इस टायर पे येलो मार्क कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें लो पॉइंट कोई नहीं है, बस यहाँ पे हाई पॉइंट है। और अगर उसके बाद हम देखें कि हम कोई भी टायर खरीदने के लिए जाते हैं, जब परचेस करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने बस टायर पसंद आया और ले लिया। उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर टायर आप परचेस करते हैं, तो हमें हमारी जो कंडीशन होती है, मतलब कि हमको कैसा कैसे रास्ते पे हम चलते हैं, उस हिसाब से होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो टायर किस तरह से होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाता हूँ टायर का। ये देखिए, ये जो टायर का डिज़ाइन इस तरह का होता है ना, वो ऑल सीजन के लिए होता है, मतलब कि विंटर का हो, मानसून हो, या चाहे कोई भी हो, तो ऐसे टायर उसमें चल जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो टायर है, इसका जो ये डिज़ाइन है ना, वो इस तरह से किया जाता है कि अगर सड़क कैसी भी हो, मतलब कि कंकड़ वाली हो, मिट्टी वाली हो या पानी वाली हो, तो ये उस पर चल जाएगा। ये डिज़ाइन उसी के लिए होती है। फिर आएगा लो प्रोफाइल टायर। लो प्रोफाइल टायर क्या होगा कि जो एक्सपेंसिव गाड़ियाँ आती है, मतलब कि महंगी गाड़ियाँ, उसमें लो प्रोफाइल होता है। लो प्रोफाइल मतलब कि जो टायर का ये हिस्सा होगा ना, वो बहुत ही छोटा होगा, और जिस टायर में ये छोटा होता है ना जितना, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको लो प्रोफाइल बोलते हैं। ये जो हमने देखा था ना, ये हिस्सा 65, वो जितना कम होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद आएगा मूड टायर। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो कीचड़ वाला रास्ता होता है, या तो मिट्टी वाला, जो हम देखते हैं फार्म में जो टायर्स होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं, जो ट्रैक्टर के टायर्स आते हैं ना, वो कुछ इस तरह से होते हैं। उसके बाद आया परफॉर्मेंस टायर। परफॉर्मेंस टायर इसमें क्या होता है, ये रेसिंग के लिए होते हैं। इसमें देखिए ये जो डिज़ाइन दिया गया ना, हल्का सा ही डिज़ाइन दिया जाता है, रेसिंग के टायर में तो इससे भी कम आते हैं, मतलब कि जो हाई परफॉर्मेंस टायर होते हैं ना, उसमें इस तरह का होता है। उसके बाद स्नो एंड विंटर, मतलब कि बर्फीला अगर रास्ता है, ऐसा अगर कोई रास्ता है, तो उसके लिए ये टायर सही रहते हैं। और ऑल सीजन ट्रक, मतलब कि ट्रक में जो टायर आते हैं, वो इस तरह के कुछ होते हैं। तो ये सब जो टायर है, वो सब टायर इसलिए उसका डिज़ाइन किया जाता है कि आखिर हमारे जो गाड़ी या ट्रक जो भी है, वो आखिर कौन से रास्ते पे चलेगा, उसके लिए दिए जाए डिज़ाइन ये किया हुआ होता है, मतलब कि हमें हमारे तक समझ के उस टायर को लेना होता है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये ह्यूंडई कार का टायर है। अभी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ह्यूंडई का है, ये स्पेयर व्हील है। यहाँ पे देखिए किया और ह्यूंडई दोनों एक साथ है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही कंपनी है, जो किया है वो भी कोरियन कंपनी ही है। तो चलिए आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत।